प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसेस की पे। आप बहुत ही अच्छे और मजेदार चीज लेकर आए हैं आप इस चैनल पे, जिसका नाम है साइंस स्किल। तो इस स्किल पे हम आज बहुत ही नई चीजों को बताने वाले हैं, जो कि अभी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, वो 2020 में लागू हुआ है। आखिर ये नई शिक्षा नीति क्या है? तो आज हम लोगों का टॉपिक्स है कि आखिर ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे कैसे अब पढ़ाई करना होगा हम लोगों को, और उसमें किस किस बात को ध्यान रखना होगा, हम लोग कैसे वन क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक पढ़ेंगे, और ट्वेल्थ क्लास के बाद भी आगे मतलब कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, ये सब जो करते थे लोग, और वही नहीं जो पहले जॉब के लिए अप्लीकेबल था कि आपको ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चेंजेज हुआ है, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। दूसरी बात, लोग बहुत सारे अभी भी कंफ्यूजन में है कि इस बार हम लोगों का टेंथ क्लास का एग्जाम होगा कि नहीं। जो अगर अभी नाइन्थ में है या जो सेवेंथ में है, वो इस रूल का, इस जो चेंज हुआ है, इसका फायदा उसको कब लेना है या उसके लिए कब लागू होगा। तो इन सारी मैटर पे हम आज बात करने वाले हैं कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके अंतर्गत आता था, जो पहले शिक्षा का डिपार्टमेंट था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, पहले जो काम करती थी वो MHRT के अंतर्गत काम करती थी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत जो शिक्षा का स्तर था या शिक्षा से जुड़े हुए जितना भी कागजात किया जाता था वो MHRD के अंतर्गत किया जाता था, जिसको बदलकर अब नाम रख दिया गया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना चाहिए, जानना चाहिए कि पहले जो शिक्षा के मामले में एजुकेशन से जुड़ा हुआ जितना भी बात था उसको किसके अंतर्गत रखा जाता था, MHRD के अंतर्गत, जिसको अब बदल के रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए दूसरी बात कि जो ये बदलाव हुआ है आखिर शुरुआत कब से, जैसे आप लोग पढ़ना स्टार्ट किया, आखिर पढ़ता क्यों है, वो पढ़ने के लिए कुछ कुछ रूल्स एंड कंडीशन होना चाहिए। तो ये जो लागू हुआ था वो स्टार्टिंग में 1968 में, कि कैसे पढ़ना है, उस कौन कौन सी क्लास का बोर्ड्स एग्जाम होंगे, क्या क्या होंगे, तो रूल्स नियम जो पहला बना वो आपको 1968 में बना, यानी कि 1968 ईस्वी में पहली शिक्षा नीति लाई गई, और उसके बाद 1968 के बाद डायरेक्ट 68 वाला जो लास्ट का टू डिजिट है ना 68, उसको बदल दीजिए तो बन जाएगा 86 86, यानी कि 1986 ईस्वी में फिर जो बदलाव किया गया, यानी कि पहले वाला जो रूल था उसको बदल कर कुछ चेंज कर दिया गया 1986 में, और 1986 के बाद एक थोड़ा सा चेंज लाया गया 1992 में भी, लेकिन उतना ज्यादा चेंज नहीं था जिसको पूरा का पूरा खतियान बही जितना भी था उसमें ऐड किया जा सके, ये उतना ज्यादा चेंज नहीं था। इसलिए माना जाता है कि 1986 में ही इसके पीछे शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था, और 1986 के बाद आज यानी कि इस साल यानी कि 2020, और इसीलिए बोला जा रहा है कि 34 साल के बाद, जब 1986 में जब 34 जोड़ेंगे तो आपको 2020 मिलेगा। इसका मतलब है कि इसके पीछे 1986 ईस्वी में शिक्षा का जो नीति है, शिक्षा कैसे प्राप्त करना है, कौन कौन सी क्लास को कैसे क्वालिफाई करना है, उसकी अर्हताएं क्या क्या होंगी, जो आप पढ़ रहे हैं उसका आपको फायदा कहाँ कहाँ मिल सकता है, अलग अलग स्ट्रीम थी, अलग अलग सब्जेक्ट थे जो आज तक के हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे थे, कि 1 की एग्जाम 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे मतलब अभी है आपको सब सारी पता है। तो इसको 34 साल के बाद 2020 में NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति नाम दिया गया है 2020। अब इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये कंफ्यूजन है कि आखिर क्या है, कि 10+2 को अब हर जगह लिखा देख रहे हैं 5+3+3+4। अब 5+3+3+4 क्या है, इसको कैसे लागू करना है, कैसे लागू किया जाएगा, तो इन ये सबसे बड़ी बात है समझना। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि ये 10+2 जो है इसको बदल करके, यानी कि जो
टेंथ तक का हुआ एग्जाम और उसको 2 साल और पढ़ा लड़का, तो अब 12th हो गया, 10 में 2 जोड़ेंगे तो अब इसी को बदलकर 5+3+3+4 और जो लड़का इसको जोड़ रहा है तो हो रहा है 15 साल। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मेरा 12 साल का जो डिग्री था, 12 साल जो हम पढ़ाई करते थे स्कूल में, क्या अब हमको 15 साल उसी को करना पड़ेगा? सेम शिक्षा है, सेम चीजों को सीखेंगे, क्या हमको 15 साल लगाना होगा उसको सीखने में? तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, क्या है वो हम सारी चीजों को बताने वाले। दूसरा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, इसका कमिटी इतना बड़ा था कि अब तक का जो जितना बदलाव किया गया है उसमें सबसे अच्छी बात और सबसे बहुत अच्छी बात नहीं बड़ी बात है कि यहाँ ऊपर के डिपार्टमेंट तो अपने ग्रुपिंग में मीटिंग करके, और वही नहीं यहाँ पे पंचायत के ग्राम पंचायत ग्राम सेवक यानी कि जो छोटे से छोटे जहां पे शिक्षा होता है उसको भी एक कमिटी में शामिल करके और वहां से उसको मुशावरा किया गया कि या फिर मीटिंग की गई कि ये वहां पे कैसे शिक्षा नीति, यानी कि हर तरह से हर जगह से चीजों को हासिल करने का प्रयास किया गया और छोटे से छोटे गांव कस्बे में लोग कैसे पढ़ते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए, क्या क्या बदलाव होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए यानी कि एक छोटे से छोटे से छोटे स्कूल तक के बोल सकते हैं कि वहां के लोग शामिल हुए इस कमिटी में और सब मिल करके यानी बहुत बड़ा इस कमिटी का गठन हुआ था जिसको डिक्लेयर किया गया 2020 में, तो हम ये बोल सकते हैं। लेकिन सबसे हेड जो है वो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में ये सब सारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दिया गया है, इसको जारी किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो मेन अध्यक्ष के रूप में है वो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में ये सारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज आपको बताने वाले हैं, ये उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारा जानकारी को तरजीह दिया गया है, मतलब कि यस किया गया है। अब चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्या ये 10+2 बोर्ड है अब 5+3+3+4 के रूप में कैसे बांटा जाएगा। दूसरा कि स्ट्रीम जो है यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाले जो आप कहानी सुन रहे हैं कि अब कोई स्ट्रीम नहीं रहा भाई, अब आपको मल्टीपल एंट्री करना होगा, मल्टीपल एग्जिट कर सकते हैं, आखिर ये क्या है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट? तो जरा हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि आखिर ये 10+2 जो क्लास हम लोग करते थे स्कूल का कोर्स वो कैसे 5+3+3+4 पर अब हम लोगों को पढ़ाई करना होगा। और दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि ये कब से लागू होगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं जो अभी 9th में हैं, वो उनके पास तो और प्रेशर बढ़ गया है कि अब हम लोगों को अगला साल में इसी पे बेसिस होगा तो क्या होगा, हम लोगों का सेमेस्टर बन जाएगा, यहाँ का मार्क्स कैसे कैसे पढ़ाई करना होगा। आप अच्छे से समझ लो ये जो हम लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 2022 से 2023 तक ही लागू होगा, अभी ये दिया गया है कि ऐसा ऐसा कुछ चेंज हुआ है लेकिन इसका अप्लाई या इसको जो माना जाएगा वो 2020 या 2023 तक माना जाएगा। ऐसे भी अभी हम लोग कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से हम लोग जूझ रहे हैं तो इसको अभी नहीं लागू किया जाएगा, लागू तो कर दिया गया लेकिन जो अप्लाई होगा जो जारी लागू किया जाएगा मेनली रूप से वो 2020 से 23 वाले जो ईयर होंगे उन वहां से 2022-23 से ये लागू किया जाएगा पूर्ण रूप से, जो लोग स्टूडेंट्स इसी को फॉलो करेंगे। तो अभी फॉलो करने का भी कोई टेंशन नहीं लो, आप अगर 9th में हो तो आप आराम से 10th उस टाइम तक पास कर जाओगे। तो 2022-23 तक के जो है लागू होगा ये मेनली रूप से, और आप अभी 2-3 साल के अंदर ही आप 10th वगैरह पास कर जाते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको अभी के रूल्स पे ही आपको आगे चलना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अलग अलग बात कर लेते हैं कि 10+2 जो है आखिर ये बदल कर क्यों किया गया, इसका माने मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं हम इधर, एक तरफ लिखे हुए हैं 10+2 और एक तरफ लिखे हैं 5+3+3+4। अब हम लोग मेन मैकेनिज्म पे पहुंचे हैं कि आखिर ये 10+2 तो जो था ये पहले वाला रूल था जो अभी तक चलता आ रहा है और अभी भी 2-3 साल चलेगा ये मानकर चलिए आप। और अब जो बदलाव के बाद जो हुआ है लाया गया है नया शिक्षा नीति वो लाया गया है 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 का मीनिंग क्या है तो अब समझिए, पहले क्या होता था
कि जो भी स्कूल्स होते थे वहां पे जो जब बच्चा जन्म के 6 साल तक होता था तब उसको पहला क्लास में एडमिशन होता था। यानी कि पहले क्या होता था कि जब बच्चा जन्म के 6 साल तक के हो गया तब उसको स्कूल में एडमिशन होता था पहली क्लास में, ठीक है। ऐसा जब 6 साल का था वो पहला क्लास में हुआ, फिर 7वें साल का हुआ लड़का दूसरा क्लास में चला गया, फिर 8 साल का हुआ फिर वो तीसरा क्लास में चला गया। ऐसे क्लास बढ़ते जा रहा था और फिर उसको गुजरना पड़ रहा था 10th क्लास डायरेक्ट। ऐसे करते 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 10th तक के पढ़ता था तब उसको पता था चलता था चलो भाई बोर्ड का एग्जाम है अब हमको अच्छा से पढ़ना है। पहले क्या होता था स्कूल में कि जैसे ही तीसरा का क्लास वो एग्जाम दे न दे जा रहा है स्कूल में उसको पास कर दिया जाता था, तीसरा से चौथा में चल गया, वो चौथा से पांचवा में चल गया, पांचवा से छठा, ऐसे करते करते वो 10वां तक के जाता है। और 10वां में चूंकि 10वां से ऐसे ही डायरेक्ट 11वां में नहीं चल जाता है, वहां पे बोर्ड एग्जाम होता है मतलब अभी, इसलिए लोग जो है पढ़ते कैसे थे, जैसे मान लिया कि इधर तो उनको कोई टेंशन नहीं है भाई, हर क्लास में इसी बिना एग्जाम दे लूं एकदम पास हो जाए, धड़ 10वां तक चल गए। और 10वां में जाने के बाद पता चल जाता कि अच्छा अब 11वां 12वां में जाना मुश्किल है, अब जैसे कि हमको पढ़ना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, ऐसू नॉलेज नहीं है तो 10वां के जब एग्जाम रहता था आराम से दिसंबर जनवरी में मेहनत करते थे और कभी कभी किसी किसी का पास हो जाते थे, बहुत सारे लोग छट जाते थे। तो अब इसको बदल करना, अब नया शिक्षा नीति में ये कर दिया कि भाई आपको 5-3-3-4 यानी कि वही पढ़ाई सेम है, पढ़ाई में न तो बुक बदला है और न ही हम लोगों को टॉपिक्स बदली है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को 10th क्लास में ट्रिगो था तो उसको हटा दिया गया, उसको जोड़ दिया, वो चैप्टर वही का वही रहेगा, सिर्फ क्लास को लेकर यहाँ पे बदला गया है। कि लोग सोच कर ये बैठते थे कि इधर तो हमको भाई धड़ ऐसे पास हो जाना है इसको लेकर, इसीलिए हमारी शिक्षा नीति कमजोर थी पहले, क्योंकि लोग जो है ना पढ़ते ही नहीं थे कि हमको तो डायरेक्ट 10वां पास कर जाना है, और लोगों को टेंशन प्रेशर भी होता था कि 10th क्लास 10th क्लास। लेकिन अब उनके लिए इधर की क्लास भी इम्पोर्टेंट हो गई है 10th जैसा, लोगों को प्रेशर हो जाएगा, लोग पढ़ेंगे उसके प्रेशर से कि हमको यहाँ पे भी पास करना है तभी अगले क्लास में जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बदलाव है और हम इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहले के रूल्स नियम थे कि जो बच्चा 6 साल का होगा उसी का एडमिशन होगा। हालांकि बड़े बड़े महानगरों में 3 साल के 2 साल के बच्चों को भी प्ले स्कूल में डालकर वहां खिलाया उलाया जाता था, वहां पे उसकी फी लगती थी, ये प्राइवेट स्कूल में हुआ करता था। लेकिन अब इंडिया के हर स्कूल, चाहे वो CBSE हो, चाहे ICSE हो, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंटल स्कूल हो, सब में ये लागू कर दिया गया है कि अब जो बच्चा जन्म के 3 साल का हो गया है, 3 साल का समझ लें कितना छोटा बच्चा होगा, अब वो 3 साल का बच्चा को भी स्कूल में जाना पड़ेगा, 3 साल के बच्चा को भी स्कूल में जाना पड़ेगा। लेकिन उसको स्कूल में क्या सिखाया जाएगा, तो स्कूल में उसको खेलने के लिए सिखाया जाएगा, जैसे प्ले स्कूल को कैसे यहाँ पे देखो ये मैंगो है ये कैट है, यानी कि उसको इस तरीके से खिलाया जाएगा ताकि उसको पढ़ाई से रुचि बढ़े। पहले के लोग क्या करते थे कि जो बच्चा जाता था स्कूल में, स्कूल छोड़ के भाग जाता था घर पे, क्यों, क्योंकि उसको घर पे वो खेल मिलता था, बहुत सारे कंचे वाले खेल, बहुत तरह का कूदने फाड़ने वाला खेल स्कूल में, ये सब टीचर बोलते थे तुमको पढ़ो बैठे रहना है, एक दूसरे को गिनते रहना, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पे आपको फिगर के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ पढ़ाने का रूल्स भी चेंज किया जाएगा। तो इसलिए बोला क्या जाएगा, यानी कि जो 3-6 साल तक बच्चा घर पे रहता था, घर पे उसको दादी लोग माँ लोग उसको खिलाया करती थी, घर पे वो बच्चा खेलता था अपने दोस्तों के साथ गांव मोहल्ले के साथ, अब वो 3 साल तक के बच्चा हो जाएगा तो स्कूल जाना शुरू कर देगा। और जो पहला जो कोर्स है, जैसे होता है ना कि हम लोग ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स है, अब उसको भी शुरू से कोर्स का नाम सुनने को मिल जाएगा कि अच्छा 5 साल का कोर्स हमको करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले शुरुआत ये 5 साल का कोर्स होता है। अब ये 5 साल में क्या है, तो जो बच्चा 3 साल का होगा उसको ही स्कूल में डाला जाएगा। 3 साल के बच्चा स्कूल जब जाने लगेगा तो उसको कहेंगे, टोटल 5 साल के कोर्स को नाम दिया गया है फाउंडेशन, इसको नाम दिया गया है फाउंडेशन, ये टोटल 5 साल का होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा 5 साल में स्टूडेंट्स का, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा, उसको एग्जाम का नाम भी नहीं सुनने को मिलेगा कि क्या होता है एग्जाम, कैसे परीक्षा देना है, क्या करना है, ठीक। अच्छा, अब ये जो 5 साल में जो है 3 साल बच्चों लोगों को स्कूल में जाकर
स्कूल के टीचर भी ऐसे आएंगे ताकि उनको छोटे बच्चों को कैसे खिलाना है, खेल खेल में मतलब पढ़ाया जाना, ये एप्पल है, ये ऐसे होता है, उसको मतलब डायग्राम दिखाएंगे और वहां पे खेल, जैसे कंचा लोग कैसे आज के पहले का बच्चा था स्कूल में नहीं जाता था, स्कूल जाता भी था तो वहां से भाग जाता था, काहे क्योंकि घर पे वो व्यवस्था, गांव मोहल्ले में वैसा व्यवस्था रहता था अपने दोस्तों के साथ कि वो फ्री होकर खेल सकता है। तो इसलिए अब 3 साल के बच्चा को स्कूल में डाला जाएगा कि जो खेल रहा था घर पे वही खेलने वाला, कंचा गुल्ली डंडा ये सब तो उतना भी खराब गेम नहीं आएगा, यानी कि खेलाने वाला जितना गेम है वो 3 साल तक के वो स्कूल में ही लागू व्यवस्था किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अब स्कूल नहीं जा रहे थे, घर वापस आ जा रहे थे क्योंकि खेलने का व्यवस्था घर पे थे, उसके दोस्त लोग घर पे थे, अब वो कहां जाएगा भागे भागे, स्कूल जाएगा फटाफट क्योंकि स्कूल में उनको पिटाई भी नहीं होगी, वहां पे टीचर खुद उसको खिलाने वाले हैं, तो लोग वहां पे जाएंगे छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे तो कोई टेंशन नहीं होता है, उनको बस खेलने का मतलब रहता है। तो इसलिए वो 3 साल के स्टूडेंट्स को ही स्कूल में भेजा जाएगा, वो 3 साल उनको प्ले के नाम से जाना जाएगा कि 3 साल तक, जैसे 5 साल का कोर्स हुआ तो वो 3 साल बिताएंगे प्ले में, ठीक है। और प्ले में बिताने के बाद जैसे ही वो बच्चा, जैसे 3 साल का है वो एडमिशन हुआ प्ले में, तो टोटल 3 साल तक के कोर्स है, तो अब बच्चा 6 साल का हो गया, तो 6 साल में ही अब पहला में एडमिशन होगा। तो कहने का मतलब है कि सब चीज वही है, सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस करने का प्रक्रिया को बदल दिया गया है, ये बात आप समझिए। यानी कि हम लोगों को पहले भी छठा 6 साल का बच्चा जब होता था तभी हम उसको पहला क्लास में एडमिशन कराते थे, लेकिन यहां और यहां में बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि उस बच्चे को आदत लग गया है उस घर से, ताकि उसको अंदर मन में बैठ गया है कि उसका जो भी है वो घर ही है, उसका गांव ही है, उसका माहौल ही है, ताकि वहां पे लोग उसको उसके साथ खेलते हैं। तो इसलिए पहला क्लास में वो स्कूल जाएगा 6 साल के बाद, तब पर भी वही उसके अंदर बैठा रहेगा, वो भागेगा फटाफट स्कूल से भागेगा, लेकिन वो 3 साल तक के प्ले स्कूल में गया है, वहां पे खेला है कूदा है, उसके दोस्त वहीं का बन गए हैं, वो लड़का बार बार चाहेगा कि हम स्कूल जाएं। इसीलिए ये 3 साल के स्टूडेंट को स्कूल में जाना अनिवार्य किया जाएगा, जिस स्टूडेंट्स का, जिस बच्चा का 3 साल होगा उसको स्कूल में एडमिशन कराइए और वो 3 साल तक के प्ले स्कूल में रहेगा, प्ले के नाम से जाना जाएगा, प्ले क्लास, ठीक है। तो अब 3 साल में तो उसका एडमिशन हुआ, अब 3 साल तक वो प्ले में रहा, तो अब हो गया वो कितना साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा हुआ। अब 6 साल के होने के बाद अब यानी कि जो 5 साल का फाउंडेशन है उसको 2 कैटेगराइज में बांटा गया है, एगो प्ले के नाम से और एगो 1 क्लास और 2 क्लास। यानी कि फाउंडेशन कब तक कहलाएगा, जब वो 5 साल का डिग्री प्राप्त नहीं कर लेता है, और इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए एक बच्चा का जो एज होना चाहिए वो 3 साल होना चाहिए। 3 साल हो गया तो आप उसको करा दीजिए प्ले में एडमिशन, यानी कि फाउंडेशन बोलिए चाहे प्ले बोलिए, हालांकि यहाँ पे प्ले बोलेंगे क्योंकि उसका इसमें एडमिशन करेंगे। तो 3 साल रहेगा तो हो जाएगा अब 6 साल का, 6 साल का हो गया तब आता है हम लोगों का 2 साल, 3 और 2 को बांटा गया है तो इसीलिए लिखा गया 5। हालांकि बात वही है, यहाँ पे था कि 6 साल वो घर पे रहता था और तब स्कूल का 6 साल के बाद वो स्कूल में जाता था, तो सिवाय वो घर पे भाग रहा है क्योंकि वो छोटा से ही घर का माहौल को देख लिया है, घर पे दादी माँ का प्यार देख लिया है, अब वो स्कूल ही जाएगा फटाफट क्योंकि वो प्ले से स्कूल में रहा है, खेलने का व्यवस्था वहां है, तो अब उसको घर पे मन ले लेगा। तो एक बहुत ही बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है नया शिक्षा नीति में, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब 2 साल का जो कोर्स किया गया जिसमें पहला क्लास और दूसरा क्लास इसी में उसको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई एग्जाम उसको नहीं होगा, जैसे कि काउंटिंग 1, 2, क, ख, इंग्लिश में अल्फाबेट ABC, यानी जो भी एकदम छोटा सा जो होता है। हालांकि उसको तो प्ले स्कूल में भी कुछ कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन उसको 1 क्लास भी एडमिशन हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा, हालांकि जब वो 2 क्लास में जाएगा तब पता चलेगा कि अच्छा दूसरी क्लास में हम है। तो कुल मिलाकर सब चीज सेम हो रहा है, लेकिन एक ही चीज है यहाँ पे जो कि सबसे पॉजिटिव है, सबसे बड़ी बात है कि वो 3 साल का बच्चा पहले से ही स्कूल जाने के लिए तत्पर हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं, वो बार बार स्कूल से भागेगा नहीं। जो काम उस घर पे करता था, जो काम वो घर पे आता था, जो विधि व्यवस्था, जो हम लोग क्या करते थे पहले का, मतलब बहुत तरह के खेलने का व्यवस्था स्कूल में नहीं था, हम लोग आराम से 1, 2 में जाते थे स्कूल, वहां पे मन नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि ये अभी भी व्यवस्था है, जो बड़े बड़े महानगर है, प्राइवेट स्कूल है, इनकी भी बहुत ज्यादा फी लेते हैं, वो 2 साल के बच्चे को भी एडमिशन ले लेते हैं, उनको प्ले में रखते हैं, वहां जाके बच्चा खेलेगा। अब ये अमीर बच्चे, अमीर घराना के लोग ऐसा कर सकते हैं, अब सभी लोग तो अमीर नहीं है, अमीर जो
व्यक्ति है वो अपने काम में बिजी है और ऐसे भी उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो कहाँ भेज दिया, प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया। वहां बच्चा उसको टैलेंट भी हो जाता है, वो कुछ सीखता भी है, खेल खेल में पढ़ाई भी कर लेता है, और उसके माँ पिताजी के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको घर पे कुछ खेलने का व्यवस्था करे या उसको खिलाए, इसलिए उसको एडमिशन करा देते। तो ये बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा कर पाते हैं, अभी भी ऐसा हो रहा है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने अब व्यवस्था कर दिया है कि सभी गवर्नमेंटल प्राइवेट सभी स्कूल में ऐसा होगा। तो ऐसा करते करते जब बच्चा 8 साल का हो जाता है, यानी कि पहला जो कोर्स हुआ वो 3 साल में का बच्चा वो क्लास में एडमिशन लिया और टोटल 8 साल का हो गया, तो कितनी क्लास तक के पढ़ लिया, 2 साल तक के पढ़ लिया। यानी कि पहले भी तो ऐसा हो रहा था ना, 6 साल में उसको पहला में एडमिशन हुआ तो 8 साल तक आते, 6 से 7 हो गया आपको फर्स्ट क्लास और 7 से 8 तक हो गया दूसरी क्लास, यानी कि दूसरी कक्षा में पढ़ लिया। अब यहाँ पे भी वही हुआ कि 6 साल 3 साल तक तो प्लो में हुआ, अब 3 साल से 8 साल तक के कोर्स को बोला गया फाउंडेशन, यानी कि 8 साल का भी बच्चा है लेकिन दूसरी क्लास पास कर गया। अब उसके बाद का है 3, इसको नाम दिया गया प्रिपरेटरी पार्ट्स या प्रिपरेटरी सिस्टम, यानी कि जो उसके बाद जो है फाउंडेशन का बाद जो कोर्स है उसको नाम दिया गया प्रिपरेटरी कोर्स। अब ये जो कोर्स है कितने साल का है, 3 साल का है। अब ये जो 3 साल का कोर्स है इसमें कौन कौन सा क्लास होगा, तो इसमें क्लास होगा, बच्चा तो 2 तक के ना पढ़ के आया है फाउंडेशन से, तो इसमें 3रा क्लास पढ़ेगा, 4था क्लास पढ़ेगा और 5वां क्लास पढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें 3रा क्लास, 4था क्लास और 5वां क्लास, 3 को क्लास पढ़ लिया। जब ये 3 को क्लास पढ़ेगा तो उसको 3 साल का फिर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्रिपरेटरी सिस्टम में जब बच्चा 8 वर्ष से लेकर, इसमें जो बच्चा पढ़ेगा 8 वर्ष से 11 वर्ष तक पढ़ेगा, ठीक है। और इसमें उसको धीरे धीरे एग्जाम लेना शुरू हो जाएगा, पहले एग्जाम नहीं था क्योंकि वो बच्चा था, अब धीरे धीरे उसको एग्जाम से जोड़ा जाएगा। तो 3, 4, 5 यानी कि जो क्लास 3 में है, क्लास 4 में है, क्लास 5 में है, इसको जो है प्रिपरेटरी नाम दिया गया, जो 3 साल का कोर्स है, यही 3 साल है। जो बच्चा 2रा में पढ़ के आया है वही बच्चा अब आगे बढ़ेगा प्रिपरेटरी कोर्स में, तो इसको 3रा क्लास पढ़ाया जाएगा, 4था क्लास, 5वां क्लास। अब 3रा क्लास 1 साल पढ़ेगा, फिर उसको आगे किया जाएगा 4 क्लास, 5 क्लास। तो धीरे धीरे एग्जाम के बेसिस पर अब उसको धीरे धीरे एग्जाम लेना शुरू कर दिया जाएगा, और यहाँ उसको एक्टिविटी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब एक्टिविटी का मतलब होता है प्रयोग करके, ताकि ऐसे भी टीचर भी ऐसे बहाल किया जाएंगे, जैसा नए शिक्षा नीति ने अभी जारी किया है निर्देश, कि उस तरीके के टीचर भी स्कूल में लाए जाएंगे जो इनको फुल्ली मेंटेन कर सके, इनको मेंटेनेंस के लिए। तो एक्टिविटी के रूप में जैसे कि हम लोगों को 4, 5 में यही सब ना पढ़ना है कि क्या है गैस, क्या है वायु, क्या वायु में वजन होता है कि नहीं, तो इसको चेक अभी हम लोग क्या करते थे, रट्टा मार पढ़ाई पढ़ रहे थे, अब यही है रट्टा मार पढ़ाई खत्म। अब रट्टा मार था कि वायु में ना कुछ वजन होता है, अब उस वजन को दिखाने के लिए मेरे भाई अब उसको तौल करना, टीचर उसको दिखाएंगे कि देख लो खाली बैलून है, खाली बैलून को तोल रहे हैं तो 10 ग्राम हो रहा है, अब उसको मैं हवा भर के और इसको तोल दे रहे हैं, यानी कि उसको प्रयोग करके दिखाया जाएगा स्कूल में बच्चों को, ताकि उनको अब रट्टा मार पढ़ाई खत्म, अपना क्रिटिकल थिंकिंग लाएंगे, सोच लाएंगे, उनको दिखाया जाएगा वाकई में ऐसा होता है तो उनको याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप खुद सोचो जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस है आप बुक में उनको पढ़ोगे तो याद रखना बहुत मुश्किल है कि कौन सा किस जगह पे है, लेकिन अगर आप उसको टूर बनाकर घूमने चले जाओ, वहां पे चले जाओ कि इसको किसने बनवाया, क्या है, क्या क्या था, तुम घूम कर आ जाओगे उस जगह को, तो खुद आपको याद करने का जरूरत है, हमेशा याद रहेगा कि अच्छा वो जो है किस राज्य में पड़ता है, उसको किसने बनवाया। अगर हम उस जगह पे चले जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोगों को छोटा बच्चा से ही अगर एक्टिविटी करके दिखाया जाए तो लोग उसको जल्दी सीखेंगे, जल्दी समझेंगे, उनमें थिंकिंग पावर डेवलप होगा जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो एक एक्टिविटी के तौर पर उनकी पढ़ाई होगी जो 3री, 4थी, 5वीं क्लास के है उनको, यानी सब चीज एक्सपेरिमेंटल करके दिखाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे अभी बैलून वाला बात के पहले क्या था, रट्टा मार पढ़ाई, समझ लो कि वायु में भार होते हैं, आप इसको याद कर लो, वायु जो है भारी होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब उसको टीचर क्या करेंगे, सब विधि व्यवस्था रहेगा, तौलने का एक सिस्टम रहेगा, बैलून लेंगे, बैलून को तौलेंगे, देखो बाबू अभी कितना ग्राम है,
कितना वजन है इसका, लेकिन अब उसमें उसमें बैलून में हवा भरकर और उसको बांधकर फिर तौलेंगे मास्टर साहब, टीचर, सर। तो अब बच्चा खुद समझ जाएगा कि अच्छा पहले था 10 ग्राम, अब सर जैसी हवा भरे तो, और सर ही क्यों भरेंगे, ये सब देखो एक्टिविटी की जो पढ़ाई है ना, स्टूडेंट इसमें जागृत होते हैं। सर दीजिए हम भर देते हैं, तो सर दीजिए हम भर देते हैं, तो ये कर देते हैं सर, तो ये लोगों में बच्चों में इच्छा जागृत होगा कुछ सीखने का, कुछ समझने का। तो उससे भी पता चल जाएगा कि देखो बाबू अब इसका वजन जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इसमें हवा डाले तो इसका वजन बढ़ गया, तो ये तरह का एक्टिविटी था। लोग इसको हमेशा याद रखेंगे कि वायु में वजन होता है और कैसे होता है, चूंकि वो देखे हैं तो उनको हमेशा याद रहेगा, ये थिंकिंग लेवल को बढ़ाना। दूसरी बात कि जो प्रिपरेटरी की पढ़ाई होगी, जो स्टूडेंट बच्चे तीसरी चौथी और पांचवी क्लास में होंगे उनको किस भाषा में पढ़ाया जाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट बदल दिया गया है कि अब जो है हम लोग अभी मराठी में, महाराष्ट्र में जो है वो मराठी में पढ़ा सकता है, पंजाब में जो पढ़ रहा है, पंजाब के बच्चा जो प्रिपरेटरी में पढ़ रहा है उसको, उसको भी तो 3 साल का, लेकिन उसका लैंग्वेज जो है वो अपना भाषा में पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग मघी में तो कह रहे गेले रे, देख रहे बाबू यहाँ लो 2 + 3 कितना हो लो 5, तो इस तरीके से हम लोग अपना लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं जिसको मदर लैंग्वेज कह सकते हैं। इसलिए लाया गया है शिक्षा नीति के जो अध्यक्षता है या जो कमिटी है उसमें इस बात को लाया गया, क्योंकि बच्चा जो है शुरू से उसी माहौल में रहा है और उसी की भाषा को सबसे पहले सीखता है, बाद में जैसे जैसे सोच डेवलप होता है तब जाके वो हिंदी बोलता है। जैसे आप सोचिए ना हमारे यहाँ का जो बच्चा है शुरू शुरू करे कहा रे खा ल दे तो पिए ल दे ऐसा करके बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्लासेस बढ़ता जाता है, हाँ मम्मी खाना दो ये दो वो दो, क्यों, जब वो स्कूल में जाता है सीखता है कि चलो हिंदी भी ऐसा बोला जाता है, ठीक है, अलग अलग फिर लैंग्वेज को यूज करने लगता है। तो कहने का मतलब है सबसे जो शुरुआती है जो बच्चा जहां पे रहा है उसको बोलते हैं मदर लैंग्वेज। लैंग्वेज की पढ़ाई होगी दो तरीके से, नेशनल का मतलब हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, या तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, दोनों व्यवस्था होगी, यानी कि वैसा टीचर लोकल को प्रोवाइड किया जाएगा जाकि वहां का भाषा वो अच्छा से जानता है, ठीक है। हम लोग तरफ अरे तरह चलता है तो अरे तरह में भी पढ़ाई होगा, ये बात एकदम बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा जिसको बोल सकते हैं, और नेशनल भी चलेगा अगर हम चाहते हैं तो, हाँ बाबू देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक के हम इसको दो स्टेज को समझे कि 5 और 3 का मतलब क्या है, अब आगे के 3 और 4 क्या है, चलिए इनको हम लोग समझते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, हम लोग दो स्टेज को समझ गए 5 और 3 क्या है। तो 5 एक तरीके का फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें बच्चा जो है 3 साल के बाद एडमिशन लेता है और पूरे 3 साल से इसमें 8 साल तक के पढ़ता है। और जैसे ही बच्चा 8 यानी कि क्लास 2 तक के, यानी कि प्ले हुआ इसमें, प्ले क्लास पढ़ा और दूसरी क्लास तक के इसमें पढ़ लेगा, ठीक है। और जैसे ही बच्चा 3 साल का फिर उसके बाद कोर्स है, इसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज। और इस प्रिपरेटरी स्टेज का जो बच्चा 9 साल का होगा, जैसे 8 साल का 3 से लेकर 8 तक के पढ़ा और इसमें 8 साल से लेकर 11 साल तक के इसमें पढ़ेगा, प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा, और इस प्रिपरेटरी स्टेज में वो क्लास कौन सा तक के पढ़ लेगा, तो 3री 4थी 5वीं क्लास तक के वो पढ़ लिया इस स्टेज में। अब जैसे ही अगला आएगा, यानी कि 5 और 3 का तो मतलब समझ गए, अब आगे आने वाला 3 का मतलब समझिए, तो इसका नाम रखा गया है मिडिल स्टेज। इसमें भी जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है, जिसको नाम रखा गया है मिडिल स्टेज। यानी आप समझो कोई बच्चा अगर ये कहता है, जैसे आप आने वाले 2-3 साल के बाद अगर आप किसी बच्चे को पूछेंगे कि तुम कौन सा स्टेज में है, तो बोलेगा कि हम मिडिल स्टेज में है, तब उससे पूछिएगा कि कौन सा क्लास में है, तो बोलेगा कि 6 में है, चाहे 7 में है, चाहे 8 में है। अगर बोलेगा कि हम 8 क्लास में है, तब आप खुद समझ जाइए कि अच्छा 8 क्लास को तो कहते हैं मिडिल स्टेज, यानी अभी लड़का मिडिल स्टेज में है, ठीक है। मिडिल स्टेज इसका फाइनल होने वाला है, यानी कि 8 है ना, तो 8 ही तक में है, क्लास 6 7 8 8, जैसे ही 3 क्लास हो जाएगा तो मिडिल स्टेज खत्म कर लिया, मिडिल स्टेज पढ़ लिया। अब सुनिए, तो इस 3 साल का नाम रखा गया है मिडिल स्टेज, यानी कि इसके वाला। अब इसमें जो बच्चा 11 साल तक के तो पढ़ लिया है, यानी कि इसमें जो पढ़ेगा 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक इसमें पढ़ेगा,
यानी 11 से लेकर 12 साल तक वो छठा क्लास में जाएगा, 12 से 13 साल तक वो जाएगा सातवां क्लास, और 13 साल से 14 साल तक वो पढ़ेगा आठवां क्लास। यानी कि 11 वर्ष से 14 वर्ष जब उसका उम्र होगा तब उसको हम कहेंगे कि मिडिल स्टेज में पढ़ता है। और इसमें जो है उसको क्या क्या बदलाव किया गया वो समझिए। तो छठा सातवां आठवां क्लास को इसमें पढ़ाया जाएगा और कंप्यूटर कोड पढ़ाया जाएगा। देखिए अब ये नया जोड़ा गया है कि जो जो बच्चा छठा में पढ़ेगा, सातवां में पढ़ेगा, आठवां में पढ़ेगा, उसको कंप्यूटर के नॉलेज, कंप्यूटर कोड का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। अब लड़का सॉफ्टवेयर नहीं बनाने लगेगा लेकिन अब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज सीखेगा। इससे क्या होगा ना कि विदेशों में चाहे आने वाले जो टेक्निकल इशू है, अब जान रहे हैं कि अब हम लोगों का हर टाइम ऑनलाइन होने लगा, सब चीजें ऑनलाइन कंप्यूटर पे, तो जो बच्चा शुरू से कंप्यूटर के बारे में जानेगा, ये तो बात अलग है कि अब आने वाले टाइम में अब घर के में फोन होगा, लेकिन आप जान रहे हैं ना कि घर में जो फोन है लोग गेम तो कुछ और सीख रहे होंगे, लेकिन उससे हम लोगों को एक बूंद फायदा नहीं है। और जो स्कूल में सिखाया जाएगा उसमें कैसे ऑनलाइन की सिस्टम होगी, कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, किसका किसका पार्ट का क्या यूज है, क्या काम है, उसके बारे कंप्यूटर कोड को सिखाया जाएगा। दूसरा बात कि जो छठा सातवां आठवां में होता है उस साल तक के बच्चे को देखे होंगे कि उसको जो इच्छा रहता है, जैसे मान लीजिए उसके पापा बढ़ई हैं तो चाहता है कि हम भी थोड़ा सा करते हैं, यानी कि उसके अंदर ऐसा सोच होने लगता है। जो छठा क्लास सातवां क्लास और आठवां क्लास में बच्चा में होगा देखते होंगे कि बहुत जुगाड़ी बच्चा हो जाता है, जैसे मोबाइल पे घर होगा ना तो फटाफट उसको खोलेगा कि देखेगा किसमें, यानी कि नयो सामान रहेगा ना उसको बिगाड़ देगा, इसलिए नहीं और घर के लोग सोचते हैं तो बिगाड़ दिया, उसके अंदर ऐसा सोच है कि आखिर ये चलता कैसे है, इसको क्या करेंगे तो कैसे होगा, घर में कुछ नया नया लाइट लाया उसको खोल कास के देखता है कि अंदर कोची कोची है, इसको करेंगे तो क्या होगा, यानी कि उसके अंदर जो है ना एक ऐसा सोच होता है उस बच्चा के अंदर कि क्या होगा जिसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा, यानी कि वो जानने का प्रयास करता है कि इसके अंदर कोची है कि ऐसे हो रहा है। इसलिए वो क्या करता है, कोई भी नया नया चीज घर में आता है उसको खोलने पकाने लगता है, स्क्रू से उन्होंने तोड़ तार दिया और उसको सीधे से चुप्पे से उसको इसे रख के, जैसे टूटल है रख के उससे गायब हो गया ताकि पते नहीं चलेगा कि कौन तोड़ तार किया। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए छठा सातवां आठवां क्लास के बच्चा को एक वोकेशनल कोर्स का भी पढ़ाई होगा। इसमें जो बच्चा कमाना है, जैसे मान लिया कि किसी लड़की को सिलाई करना होगा, घर में सिलाई उलाई होता होगा या फिर कैसे सिलते हैं, अपना कपड़ा फटे उठेगा तो सिल लेगी, जो बच्चा जो है बाल उसके पापा काटते होंगे या फिर उसका चाहता है कि तनी हम सीखते हैं कि कैसे बाल काटल जाता है, तो उसमें नाई का भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैसे बेंच कुर्सी वगैरह कैसे कैसे बनता है, कितना नाप के कितना काटते हैं, कैसे आरी चलाते हैं, आरी को चलाने के लिए उसको रेतते कैसे है, तो इस सब की जानकारी भी उसको, यानी कि बढ़ई, इसको बोला गया कि वोकेशनल कोर्स भी आपको लागू होंगे। जो बच्चा वोकेशनल कोर्स करना चाहता है उसमें बहुत तरह का लिस्ट बना रहेगा, बढ़ई का या मिस्त्री का, जैसे ईटा उटा कैसे जोड़ते हैं, ईटा का कितना वजन होता है, उसमें कोची कोची मिला के घर द्वार बनता है, कैसे बनाते हैं, क्या मापते हैं, तो ये सब का पढ़ाई जो है ना उसको बच्चा को इच्छा इस सब मन लगेगा। आप जानते हैं ना पढ़ाई में जो छोटा बच्चा को कम मन लगता है लेकिन उसको से अगर काम करवाई तो फटाफट करेगा, ऐसे ऐसे करो तो ऐसे ऐसे कर देता है, यानी कि उसमें शारीरिक और थिंकिंग दोनों एकदम एनर्जेटिक से भरपूर रहता है उस टाइम छठा सातवां आठवां तक। इसीलिए एक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वोकेशनल कोर्स को शामिल किया गया है जिसमें बच्चा को रुचि होगा सिलाई करने का, नाई का काम करने के लिए, बढ़ई का काम करने के लिए वो सीख सकता है, ठीक है। और बाकी वैसे ही जैसे मैथ होता है हम लोगों का, छठा क्लास का मैथ सातवां क्लास का वो रहेगा, साइंस रहेगा, एसएसटी रहेगा, लेकिन इसमें एक इंडियन लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था कि हम लोग अरे तरह में भी पढ़ रहे थे इसके पिछले वाला क्लास में, ऐसे हो लोग रहे, देख दो और तीन हो लोग, बताओ क्या वो हो ले? दो और तीन पांच हो गए, तो ई वाला लैंग्वेज तो हम लोग पिछले पढ़ रहे थे, अब वो लैंग्वेज जो है धीरे धीरे खत्म कर, यही तो अच्छा नीति है, क्योंकि जो बच्चा को जहां पे पढ़ा पहले उस लैंग्वेज को सीखा, उस लैंग्वेज में वो बहुत बढ़िया कुछ कुछ चीज उसी लैंग्वेज में जोड़ सीख गया, घटाव सीख गया उसी भाषा में, अपने घर के भाषा में, अब जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सोचने का शक्ति बढ़ा, अब उसको बता रहे हैं कि भैया तुमको अब इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा, और इंडियन लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया, इंडियन लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत दो भाषा आता है कि भैया तुमको हिंदी पढ़ेगा और संस्कृत, ये दोनों में से तुमको कोई च्वाइस करना पड़ेगा, यानी कि इसमें हिंदी और संस्कृत में से आपको कोई ना कोई चीज पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हिंदी या तो संस्कृत, ये दोनों में से कोई आपको एक चूज करना होगा, ठीक है। तो ये चीज रहा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। अच्छा फिर आते हैं हम लोग
तो कुल मिलाकर ये हम लोग पास करके कौन सा क्लास, मिडिल स्टेज, ये मिडिल स्टेज हो गया। मिडिल स्टेज कितना से कितना हुआ, तो 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक ये हम लोगों को मिडिल स्टेज हो गया। इसमें वो बच्चा कहां तक के पढ़ लिया, कौन कौन सा क्लास पढ़ लिया, तो 8 क्लास तक के पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं फिर लास्ट में 4 है, तो जो बच्चा अगर 8 तक के पढ़ लिया तो अगला जो कोर्स है उसमें कहां से एडमिशन लेगा, 9वां क्लास में एडमिशन लेगा, 9वां पढ़ेगा, 10वां पढ़ेगा, 11वां, 12वां, 4 साल लगातार कोर्स करेगा। देखिए अब समझते हैं, चौथा नंबर पर आता है सेकेंडरी स्टेज। इसका नाम है क्या, सेकेंडरी स्टेज। ये कितना साल का कोर्स है भाई, 4 साल का कोर्स है। अब ये जो 4 साल का कोर्स है इसमें कौन कौन सा क्लास पढ़ेगा बच्चवा, 9वां पढ़ेगा, 10वां पढ़ेगा, 11वां पढ़ेगा, 12वां पढ़ेगा, यानी कि लगातार, यानी कि 10th क्लास का जो बोर्ड है वो बोर्ड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। आपको 10वां क्लास एग्जाम देना है, 9वां का भी देना है, यानी कि आपको जो है सेकेंडरी स्टेज में हर क्लास का एग्जाम देना है, तभी आप उसके आगे की क्लास में जाएंगे। लेकिन इसमें स्ट्रीम नहीं है। अब स्ट्रीम के बारे में बताते हैं कि क्या है स्ट्रीम। सबसे पहले आप समझिए कि जो बच्चा 8वां पास कर गया, 9वां में एडमिशन ले लिया, 9वां से 10वां जाते जाते साल जाते जाते 1 साल का कोर्स होता है, यहां भी उसको 1 साल लगेगा, 10वां से 11वां जाते जाते 1 साल लगेगा, 9वां पढ़ेगा 1 साल, सॉरी ऐसे 9वां 1 साल हुआ, 8वां से 8वां पास करके गया है तो 8th का सर्टिफिकेट है, तो 8वां से 9वां हुआ 1 साल, 9वां से 10वां 1 साल, 10वां से 11वां, 11वां से 12वां 4 साल। अब बताइए कि 9वां का जो एग्जाम दिया, 8वां से 9वां पढ़ा, यानी कि 9th क्लास कंप्लीट किया, 9 से 10th एक क्लास का होता है। अब एक क्लास में ना उसको 6 महीना का सेमेस्टर, यानी कि 10th क्लास का जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा और हर 6 महीने पर एग्जाम होगा, यानी बात किया जाए तो इसमें 4 साल का टोटल कोर्स है और 4 × 8 को यहाँ पे सेमेस्टर होगा। अब 8 सेमेस्टर को जोड़ करके फाइनल जो है 12th में आपको एक मार्कशीट मिलेगा जिसमें सबका जिक्र किया रहेगा कि आप 9th के सेमेस्टर में, 10th के सेमेस्टर में, 11th के सेमेस्टर में, 12th के सेमेस्टर में कितना कितना मार्क्स लाए हैं, यानी कि हर सेमेस्टर वाइज आपको हमेशा परीक्षा होगा और हर सेमेस्टर का टोटल नंबर ऐड होगा फाइनल में। इसलिए लोगों में पढ़ने का जागरूक बढ़ेगा क्योंकि सेमेस्टर वाला भैया भी तो फाइनल में नंबर में जुट रहा है, तो लोग क्या करेंगे, हर 6 महीना पर मेहनत करेंगे खूब जम जम के, फिर अगला 6 महीना तो फिर एग्जाम, यानी कि एग्जाम का टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, तो लोग क्या करेंगे, प्रेशर में पढ़ेंगे कि चल भाई, क्योंकि अब उनको एग्जाम का वैल्यू पता चल गया। पहले देखिए सरकार कैसे कैसे नीति अपनाया है, बहुत ही बढ़िया है। पहले उसको खेलने के लिए बुलाया 3 साल में, जितना भी कंजा उंचा खेल, आम उम छिलते थे हम लोग बरेड लेके पेंसिल ले जाते थे कि पेंसिल छिलेंगे, वहां आम जाके छिलते थे। तो अब क्या हुआ, सब जितना भी खेलने कूदने वाला आराम से सर जाके गंदा करो, मिट्टी में खेलो, ये सब खेलो, सब स्कूल में करो, खेलने के लिए बुला दिया। अब छोटा बच्चा को स्कूल से ज्यादा प्रेम हो गया, बार बार स्कूल भागेगा, अब उसको स्कूल तो भगा दिया, अब धीरे धीरे माइंड में ऐसा सेटअप हो गया कि भाई बाबू तुमको एग्जाम होने लगेगा, अब एग्जाम तुम 8वां पास करो ना, 9वां 10वां में आओ ना, उसके बाद तुमको पता चलेगा कि 6वें महीना पर तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, और उस 6 महीना का इतना वैल्यू है जो अभी हम लोग 10th में वैल्यू देते ना है, डायरेक्ट उधर 7वां 8वां खट 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 पास हो जाते हैं और 10वां में आके पढ़ने के मिल जाता है, फलना रिएक्शन, फलना मैथमेटिक्स में ही बहुत सारा, तो लोगों को प्रेशर बन जाता है, कितना को तो समझ में नहीं आता, एग्जाम में बैठते हैं भगवान भरोसे पास हो गए तो हो गए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार होने वाला है बहुत बढ़िया कि अब जो है ये वाला सेकेंडरी स्टेज में जैसे ही बच्चा पहुंचेगा हर 6 महीना पर उसको एग्जाम, और 6 महीना का होगा तो उसको माथा पकड़ के दर्द, अरे भैया एग्जाम है पढ़ना पड़ेगा, और 6 महीना पर इसलिए पढ़ेगा क्योंकि जो 12वां में रिजल्ट आएगा ये जो 6 महीनवा वाला भी आपको ऐड होगा, तब मार्क्स बनेगा, तब वहां डिवीजन मिलेगा, तो सबसे बढ़िया बात है। लोग यहां से खुद एक प्रेशराइज होकर पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम का लोगों को टेंशन ही नहीं होता है, यहाँ पे स्कूल में एग्जाम होता है लेकिन यहाँ तो जानते हैं कि हमको ऐसे ही पास हो जाना है तो पढ़ते ही नहीं है, जाके वहां अटेंडेंस बनाया, नहीं बनाया सर पास कर दिए फटाफट, लेकिन यहाँ नहीं होगा, आपको इसमें सर्टिफिकेट चाहिए, सेमेस्टर वाइज चाहिए। अगर सेमेस्टर में बैक लगेगा भाई वह तू अब पहले वाला क्लास में रहा, तो कोई ऐसा नहीं चाहेगा, सब चाहेगा। इसके प्रति टीचर भी जागरूक होंगे, हम ऐसा नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स के लिए नहीं हुआ, टीचर के लिए भी हुआ। टीचर भी जान करके बच्चा को नहीं पढ़ाते थे कि तुम 7वां पढ़ के क्या करेगा, 8वां पढ़ के, टीचर का जो है ना एक तरीके का
जो सिखाने का जरिया है उनका जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, डायरेक्ट अगला क्लास में पढ़ा देते हैं। जो चलो कुछ जाओ, जैसे सातवां क्लास का ट्यूशन आ रहा है, आठवां क्लास का भी बचा रहा है, अरे तू सातवां क्लास में का, अब आठवां क्लास का सीख तू। अल्सियम सिखा नहीं कि उसको महत्तम समापवर्तक सिखा रहे हैं, वो कुछ जानता नहीं है कि इसके साथ, ताकि टीचर को ये लगता था कि ये तो ऐसे पास हो जाएगा, तुम चलो इस सीख लो। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब सातवां क्लास का भाई हो, चाहे आठवां क्लास का चाहे नवां क्लास का, उसका एक अपना सिलेबस होगा, उसका छह सेमेस्टर वाइज छह छह महीना का सेमेस्टर होगा, उसमें सिलेबस दे दिया जाएगा कि तुमको ये का एग्जाम है, अब तुम कंप्लीट करो चाहे कहीं से भी। इसलिए टीचर भी उस पर फोकस करेंगे और स्टूडेंट्स भी उसको अच्छे तरीके से अपनाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे ना बोर्ड एग्जाम्स खत्म नहीं हुआ है, हम लोगों को तो बोर्ड एग्जाम तो है ही है। क्या बोल दिया कि टेंथ क्लास का एग्जाम नहीं होगा, टेंथ क्लास थोड़ा नाइन्थ क्लास सब एग्जाम, अब तो एग्जाम है तो टेंशन कहा, टेंशन क्यों ले रहा है कि एग्जाम खत्म हुआ। देखो नौवां का भी एग्जाम होगा फाइनल, दसवां का भी, ग्यारहवां, देखो भैया एग्जाम बोर्ड सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ अंतर है कि वहां पे टेंथ का सर्टिफिकेट एगो दे देता था, हम खुद जा टेंथ पास, अब तुमको ऐसे नहीं है, टेंथ क्लास तू पास हो कर गया ना सेमेस्टर में, तो तुम हो सकता है कि ग्यारहवां में तुम करोस लगा दे, ग्यारहवां में तू सेमेस्टर में अच्छा रिजल्ट ना आए तो उसको अगला क्लास में नहीं दिया जाएगा, यानी कि तुमको बारहवां क्लास में अब टोटल मार्क्स जोड़ेगा, टोटल सेमेस्टर का ऐड होगा, जो टेंथ क्लास होगा उसका भी, इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास सबका। अच्छा दूसरा बात कि इसमें स्ट्रीम नहीं रहेगा, पहले क्या था टेंथ क्लास पास किया तो या तो मैथ लेता था, मैथ लेता था या तो साइंस लेता था, तब उसको हम कह देते थे कि हम आईएससी से किए हैं, और जो एसएसटी में लिया ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री कुछ भी एसएसटी बोलिए कि आईएस है हम आर्ट्स से हैं, तो अब स्ट्रीम हटा दिया, अब इसमें क्या है कि हम एगो सब्जेक्ट साइंस मैथ ले सकते हैं, तो मैथ हो गया हमको 100 नंबर, फिर हो गया बायोलॉजी 100 नंबर, यानी कि इसमें स्ट्रीम ही खत्म हो गया सब्जेक्ट ही, तुम अब बोलबे नहीं करेगा कि हमको आईएससी किए हैं, तो ये नहीं कहेगा, तो ये कहेगा कि हम 12th किए हैं बस। इसके अलावा साइंस और आर्ट्स का नाम अब नाम हट गया, इसलिए हट गया क्योंकि मान लिया कि एगो लड़का अपने मन से चुनना है 500 नंबर का कोई 5 गो सब्जेक्ट अपने मन से चुनना है और उसका एग्जाम देना है, समझ में आ रहा है, तो हम चुन लिए मैथ जो है 100 नंबर, बायोलॉजी जो है कोई भी सब्जेक्ट चुन लिए 100 नंबर, हिंदी 100 नंबर, और हिस्ट्री हमको हिस्ट्री पढ़ने का मन है हिस्ट्री 100 नंबर, उसके बाद अकाउंट पढ़ने का मन है कॉमर्स का तो 100 नंबर। देखो हम तो यानी कि एक स्टूडेंट्स के हिसाब से जो तुमको मन है वो पढ़ो, 500 नंबर का 5 गो सब्जेक्ट तुमको लेना है, अब 5 गो सब्जेक्ट हम ले लिए, अब 5 गो सब्जेक्ट में तो हम मैथो लिए हैं भाई, तो हम क्या कहेंगे कि हम आईएससी आईकम सब पास है, नहीं ना, इसीलिए पहले था कि हम आईएससी थे, हम आईएससी कहेंगे तो अगला भी समझ जाएगा कि आईएससी या तो मैथ से होगा चाहे तो बायोलॉजी से होगा, तभी ना साइंस बोल रहा है, लेकिन अभी बोलना ही नहीं है, डायरेक्ट कहना है कि हम इंटरमीडिएट हैं, हम 12th क्लास पास हैं। अब 12th क्लास पास है जब आपका मार्कशीट देखेंगे, कागज देखेंगे, तब पता चलेगा कि आप कौन कौन सब्जेक्ट से पढ़े हैं लेके, यानी कि अब जो है ये नो स्ट्रीम होगा, स्ट्रीम खत्म हो जाएगा, अब स्टूडेंट जो चाहेंगे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पहले कुछ होता था कि भाई हमको तो पढ़ना है साइंस से, लेकिन हम जबरदस्ती में साइंस इसलिए पढ़ते थे क्योंकि वही है ये था, या तो साइंस लो या तो आर्ट्स लो, क्योंकि साइंस में क्या है तो साइंस में तुम 2 गो चूज कर सकता है, यानी कि सरकार का ऐसा प्रेशर था, ऐसा था कि तुम अगर साइंस में जाओगे तो यही यही सब्जेक्ट तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब आप कोई सभी 5 गो सब्जेक्ट चुन सकते हैं और वो 5ों सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ता है, चाहे हिंदी हमको मन लगता है तो हिंदी 100 नंबर के ले लिए, हमको मैथ अच्छा लगता है मैथो ले लिए, हमको कॉमर्स का अकाउंट्स पढ़ना है अकाउंट्स ले लिए, तो कहने का मेरा मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा है कि लोगों को जो फेवरेट है ना उस फेवरेट से अपना पढ़ाई करेंगे, जो कि बहुत ही अहम बात है और बहुत अच्छी बात है, तो इस तरीके से। और दूसरा बात इसीलिए बोला गया मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो आपकी इच्छा है वो सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, अब आईएससी आईएएस का नाम जो है खत्म हो जाएगा 2-3 साल में 2023 तक। और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है ऐसा पढ़ाई को जारी किया जाएगा, पढ़ाई का ऐसा माहौल किया जाएगा कि लोग सोचेंगे, ये नहीं याद करना पड़ेगा, यानी कि रट्टा मार पढ़ाई बिल्कुल खत्म, वहां पे ये सोचने पर मजबूर होगा कि आखिर गांधी जी अगर न होते तो हमारे देश पर क्या क्या प्रभाव पड़ता, तुम सोचो अगर गांधी जी ने बोला जाता कि कोई दांडी मार्च की यात्रा क्यों किए, आखिर वो न करते तब क्या होता,
यानी कि एक थिंकिंग वैल्यू को क्रिएट करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैसा पढ़ाई पढ़ाया जाएगा, ऐसा डेवलप किया जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्वेल्थ तक का पढ़ाई है। जरा अब हम थोड़ा सा और टाइम लेते हैं आपका और ट्वेल्थ के आगे तक की पढ़ाई को बताते हैं कि और किस आइडिया से किस तरीके से पढ़ाई को जारी किया जाएगा। तो चलिए देखते रहिए कि आगे का पढ़ाई कैसे हो। तो उसके आगे का आप देखते हैं, हम लोग तो समझ गए कि 10+2 जो होता है वो 5+3+3+4 के रूप में क्यों बटा है। हालांकि दोनों सवाल से दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग बात किया जाए तो प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क दिखता है, क्लासेस वही सब रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा 12th पास करता है तो अब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएगा। तो ग्रेजुएशन टोटल 4 साल का यहाँ लिखा हुआ है। अब ये 4 साल का क्या लिखा हुआ है, कैसे होगा वो समझिए। पहले जो था ग्रेजुएशन BA करेगा, यानी कि जो आर्ट्स का सब्जेक्ट लेगा जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो ये सबसे करेगा तो उसको BA बोलता था। वो बोलेगा कि हम BA किए हैं, तो BA किया है तो समझ जाइए कि वो कुछ कुछ ही ऑनर्स पेपर लिया होगा, या तो हिस्ट्री लिया होगा, ज्योग्राफी लिया होगा, तब वो BA कह रहा है। अब उस साइंस कोई बोलता है हम BSc हैं भाई, तो BSc तो पहले कैसे समझा जाता था, आज तक के समझा जा रहा है कि अच्छा या तो मैथ ऑनर्स होगा, न तो फिजिक्स होगा, न तो केमिस्ट्री होगा, यानी कि साइंस का कोई सब्जेक्ट उसका ऑनर्स पेपर होगा, इसलिए उसका BSc होगा। अच्छा BCom का बात कर लेते हैं, जिसको अकाउंट्स वगैरह होगा तो उसको कॉमर्स जाना जाता था, लेकिन आज के यानी कि ये जब से लागू होगा 2022-23 के बाद ये नाम मिट जाएगा। सिर्फ उस टाइम के बच्चे बोलेंगे हम ग्रेजुएट हैं, हमने ग्रेजुएशन किया है, इसलिए भाई क्योंकि हमको तो 500 का या 800 का या जो भी उतना जितना सब्जेक्ट बोलेगा तो कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं। लाइक अगर हमको मन हुआ कि ग्रेजुएशन अब फिजिक्स से करना है तो फिजिक्स का ले लिया, अगर ग्रेजुएशन में मैथ लेना है तो मैथ ले लिया, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लेना है तो हिस्ट्री ले लिया, अकाउंट्स पढ़ना है अकाउंट्स ले लिया, यानी कि इसमें जो भी सब्जेक्ट है 500 का एग्जाम होगा तो 5 गो सब्जेक्ट चुनिए, 8 गो का सब्जेक्ट, 800 का होगा तो 8 गो सब्जेक्ट चुनिए, चाहे कितना 100 का एग्जाम होगा उतना सब्जेक्ट चुनिए। लेकिन अब सरकार के अंडर में नहीं रहा कि BA करना है चाहे BSc करना है, अब वो खत्म, सब खाली नाम से आएगा ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में जो मन है आपको लेना है चूज करना है उतना सब्जेक्ट, ये रहेगा कि आपको जो है ग्रेजुएशन में कम से कम 5 गो चुनना है, कब चाहे कम से कम 8 गो सब्जेक्ट, मतलब ये लिखा रहेगा कि 8 गो सब्जेक्ट कोई चुनना है, और एक लिस्ट रहेगा ग्रेजुएशन के लिए कि उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। अब उस सब्जेक्ट को आप चुन लीजिए जिसमें कोई सा भी चुन सकते हैं, BA से BSc BCom कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं, तो इसीलिए अब ये नाम खत्म हो जाएगा। अब इतना सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे ही फर्स्ट ईयर का पढ़ाई कर लिए ग्रेजुएशन, तब उसको सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाएगा। आपको जो पेपर मिलेगा एग्जाम का सर्टिफिकेट, उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इससे पता चलेगा कि ये लड़का क्या किया है, ग्रेजुएशन का 1 साल का कोर्स किया है, और किस किस सब्जेक्ट में किया है, जो आप सब्जेक्ट चुने हुए होंगे तो वो सब लिखा हुआ रहेगा उस पेपर पे, मार्कशीट पे, कि आपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट किया है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लिखा रहेगा। इसका मतलब ये लोग समझेंगे कि फर्स्ट ईयर खाली फाइनल किया है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के बाद अब उस सेकेंड ईयर में जैसे ही पहुंचेगा तो उसको डिप्लोमा के नाम से जाएगा, जैसे उस पर लिखा रहेगा उस पेपर पे ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है, तो समझ जाएगा कि 2 साल का कोर्स किया है। अब थर्ड ईयर जैसे ही करेगा उसको डिग्री के नाम से जाना, ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि वो 3 साल का कोर्स किया है, और ये डिग्री ही करने के लिए, जो किसी जॉब पाने के लिए चाहे किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए, आपको ग्रेजुएशन का 3 साल का यानी कि डिग्री कोर्स करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर की है तो हमको ग्रेजुएशन से सर्टिफिकेट मिल गया तो हम बहुत खुश हो जाएंगे कि अब तो हम ग्रेजुएशन के फार्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा सोच हटा दीजिए। पहले ही वाला रूल हुआ है, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है तो 3 साल पास करते थे तब ना UPSC BPSC के एग्जाम में बैठते थे, लेकिन अभी भी वही है। लेकिन पहले होता था कि फर्स्ट ईयर का कोई वैल्यू नहीं था जब तक कि आप थर्ड ईयर ना कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू है। कैसे वैल्यू है कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर करके और पढ़ाई छोड़ सकता है, जैसे मान लिया कि किसी का पैसा का दिक्कत है, भाई हम फर्स्ट ईयर किए पैसे नहीं है, सोच रहे हैं कि जाके कमा के आते तब हमको शौक जगता कि हम अब पढ़ना चाहते हैं तो फिर आता। पहले था कि फर्स्ट ईयर पढ़ के गए हैं, सेकेंड ईयर पढ़ के गए, जब आते तो उनको शुरू से पढ़ना पड़ता था,
दो तीन साल के बाद जब अब है कि कहनो आइए आप पहला क्लास फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद आप सेकेंड ईयर से शुरू करते हैं, आप फर्स्ट वाला सर्टिफिकेट दिखाइए कि हम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट किए हैं, हमको डिप्लोमा में एडमिशन हो जाएगा। यानी कि हमको डिप्लोमा, जो बच्चा डिप्लोमा करके गया है ग्रेजुएशन डिप्लोमा, वो उसको ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे इसीलिए बोला गया कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, जब मन करे हम एडमिशन ले सकते हैं इसमें, जब मन करे छोड़ के जा सकते हैं। अब एक महीना पर तो नहीं ना, कम से कम इसको एक साल का कोर्स तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें है कि आप साथ साथ कॉलेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम मान लिया कि कोई एक कॉलेज से एक साल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कर लिया, अब हमको ये कॉलेज पसंद नहीं आया तो वहां से तुमको ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट मिल गया, अब उसको हम ले जाके कोई दूसरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो बच्चा तीन साल का इधर से कोर्स कर लिया है उसके लिए पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा वो दो साल का होगा। अभी भी वैसा ही है, पीजी अभी डायरेक्ट दो साल का है, लेकिन अब जो हो गया है कि आप अगर ग्रेजुएशन चार साल का किए हैं, चार साल का जो ग्रेजुएशन करेगा उसको रिसर्च नाम दिया जाएगा, उसके सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन रिसर्च। उन्होंने कितना साल का कोर्स किया, तो चार साल का कोर्स किया, जिसको ग्रेजुएशन रिसर्च के नाम से जाना जाएगा। तो अगर कोई लड़का या कोई बच्चा स्टूडेंट चार साल का ग्रेजुएशन का रिसर्च करता है तो उसको पीजी मात्र एक साल का करना होगा। बात वही रहा, पहले था तीन साल का ग्रेजुएशन और दो साल का पीजी, तो तीन और दो पांच साल हो गया। अभी जो लड़का तीन साल तक की डिग्री करेगा वो डायरेक्ट पीजी में आएगा तो उसको दो साल का करना पड़ेगा, नहीं तो चार साल का इधर से पढ़ेगा, ग्रेजुएशन है चार साल पढ़ेगा तो पीजी तुमको एक साल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, बात बाकी वही है, लेकिन सबसे इसमें बदलाव किया गया कि अपने मन से कोई सब्जेक्ट यहाँ चूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम बीएससी हैं तो चाहे तो फिजिक्स ऑनर्स रखिए, चाहे तो मैथ, चाहे तो केमिस्ट्री, यही ऑनर्स रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो मन करे वो ऑनर्स रखिए, जो साइड सब्जेक्ट है कुछ भी चुन सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स का है, हो सकता है कि किसी को हिंदी पसंद है, हो सकता है कि हिस्ट्री पसंद है और मैथ पसंद है, तो इसलिए अब अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट। और सबसे बढ़िया बात कि मास्टर इन फिलोसफी का डिग्री अब खत्म हो गया है, अब डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद। पहले क्या था कि ग्रेजुएशन कीजिए एमफिल करने के बाद पीएचडी लोग करते थे, लेकिन अब एमफिल नहीं जरूरी है, आप पीजी कीजिए, पीजी के बाद डायरेक्ट पीएचडी, यानी कि पीएचडी ये जो करेंगे ये हम लोगों का चार साल का कोर्स होगा। तो ये तरीका एक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया है दोस्तों, जिसको आपको यूट्यूब पे अन सोशल साइट्स पे ये जो नई शिक्षा नीति लागू किया गया है अलग अलग वे में आपको दिख जाएंगे। मेरा भी उम्मीद था कि हम भी अब अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन करके अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने विद्यार्थियों को ये हम बता सके। तो दोस्तों आपको अगर आई होप कि अच्छे से आया होगा तो आप ये सुझाव दे सकते हैं कि इसमें और क्या कमी रह गई है नई शिक्षा नीति में। जहां तक हम बात करें तो जरा आप बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरे हिसाब से नई शिक्षा नीति में एक और बात को जोड़ना चाहिए, इसमें ये लागू कर देना चाहिए कि जो भी किताब सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल चाहे कोई भी स्कूल का किताब चले उसके लास्ट पन्ना पर एक पेज जोड़ देना चाहिए, उसमें ये लिखा जाना चाहिए कि अच्छे टीचर का क्या पहचान है, ताकि आप बच्चों को इतना प्रेशराइज दे करके इतना आइडिया से उनको एक पढ़ाने का एक नया शिक्षा नीति जारी किए हैं। तो मेरे हिसाब से एक और चीज अगर जोड़ दिया जाता तो वो चीज बहुत अच्छा होता, इसलिए अच्छा होता, उसमें ये जुड़ा हुआ होना चाहिए कि आखिर अच्छे टीचर का क्या पहचान है। इसलिए कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, थोड़ा सा एज है उनको, जरूरी भले है खैनी उनी, लेकिन वो स्टूडेंट्स के सामने खा रहे हैं, तो इस पर एक बैड इफेक्ट पड़ता है। और अगर पीछे लिखा हुआ रहेगा कि बुरे शिक्षक का क्या पहचान है, तो अगर वो बच्चा पढ़ेगा कि जो बीड़ी सिगरेट खैनी खाता है वो अच्छे टीचर नहीं होते, तो लड़का के मन में अंदर से ही भावना लगेगा कि सर जी तुम खाई बीड़ी सिगरेट यानी कि अच्छा टीचर नहीं है। और इसको अगर टीचर भी जानेगा तो उसको खाना होगा तो भले पीछे से इसे खा लेगा लेकिन स्टूडेंट्स के सामने नहीं खाएगा। दूसरा, इसमें ये भी जोड़ना चाहिए कि कोई भी टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स हैं वो अपना स्टाइलिश सब कुछ करके आते हैं, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, यानी कि ये सब होता क्या है ना कि आप
ये भी वहां पे लिखा जाना चाहिए कि ये भी एक बुरे टीचर का पहचान है, अच्छे टीचर का पहचान एकदम, और स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती करके रहना चाहिए। स्टूडेंट्स जैसे पहन के आ रहे हैं, हमको भी उसी तरीके का सिंपल पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अच्छा सर बहुत पैसे वाले हैं, सर बहुत अमीर है, इसलिए हम उतना नहीं कर पाते, मतलब कि निगेटिव थिंकिंग आ जाता है। तो मेरे हिसाब से कि एक अच्छे टीचर का क्या गुण होना चाहिए, जितना भी अच्छा अच्छा गुण होगा पीछे के पन्ना पे हर एक बुक में रहना चाहिए। जैसे कि जनगण मन अधिनायक ये फर्स्ट पेज में होता है सरकारी स्कूलों की बुक में, वहां पे भी ऐड रहना चाहिए, ताकि जो टीचर खैनी खाते हों, बीड़ी खाते हों, पान चबाते हों और पढ़ाते रहते हो, तो ये सब उनको भी लगेगा, बच्चे लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये क्या है गलत और क्या है सही। तो कुल मिलाकर, और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि जो हम लोगों का मार्क्स मिलेगा वो स्टूडेंट्स के बेसिस पे, फ्रेंड के बेसिस पे भी मिलेगा, यानी कि दोस्ती, जैसे हम लोग फ्रेंड में हैं तो बहुत सारे फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड से लड़ उड़ जाते हैं स्कूल वगैरह में, तो वहां पे अब लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि अब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को यानी कि अपने दोस्त को भी कुछ ना कुछ मार्क्स देगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अभी जितना सारी चीज लिखा हुआ है शायद उतना हो पाए, तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। तो मेरे हिसाब से एक ऐड कर देना चाहिए इन चीजों को कि आखिर लास्ट में अच्छे टीचर का क्या पहचान है और बुरे टीचर का क्या पहचान है, ताकि टीचर भी अपने आप को मेंटेन रख सके, अच्छे से पहनावा ओढ़ावा अच्छे से। कितने लोग होते हैं कि टीचर जैसा गुण नहीं है, पूरा स्टाइल में आते हैं, पूरा एकदम अपने आप को, बहुत सारे हांकते भी हैं, हम तो ये थे वो थे, इससे लोगों पे बैड इफेक्ट भी पड़ता है कहीं कहीं, क्योंकि सर ये थे तो ऐसे हो गए। आपको ये बोलना चाहिए कि हमने भी टेंथ में ना फेल किया था, अच्छे नहीं थे हम पढ़ने में, लेकिन बाद में मैंने भी मेहनत किया। अब सर जो है हांकने लगते हैं, हम तो ऐसे थे पूरा एकदम, तो ये पे ना बैड इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट को हमको मोटिवेट करना है ना भाई, इसलिए आप अगर अच्छे भी थे ना तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बोलिए, ताकि जो कि पीछे बेंचर के स्टूडेंट होंगे, जो कम लेवल के लोग होंगे, वो भी समझ सके कि अच्छा यानी कि हमारे सर तो हमारे हम ही की कैटेगरी में थे जैसे हम लोग हैं, लेकिन बाद में सर अच्छे हो गए क्योंकि ये चीज किए। तो इस बात को भी अपने आप को सामने रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिसको ऐड करना चाहिए। लेकिन लास्ट वाले बुक में ना एक अच्छे टीचर और जो बुरे टीचर हैं उनका गुण जरूर एक रहना चाहिए, ताकि बच्चे भी टीचर को एनालाइज कर सके, टीचर को भी पहचान सकते हैं कि आखिर ये क्या है, और टीचर भी इसको सख्ती से लेंगे, अपने आप को मेंटेन रखेंगे। तो दोस्त आप भी अपना कमेंट में करके ये बताइएगा कि क्या अच्छे टीचर की पहचान ऐड करनी चाहिए, नहीं ऐड करनी चाहिए, या फिर इसके अलावा अगर आपकी इच्छा होगी कि और क्या करनी चाहिए थी इसमें ऐड, जो नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया 2020 में, इसमें और क्या ऐड करना चाहिए। तो दोस्त इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले, धन्यवाद।